पता है, हर किसी का बचपन होता है, और सबसे अंडर रेटेड जो पर्सन हो जाता है ना, वो हर किसी की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पिता होता है, और साथ में एक टीचर भी। कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में, जैसे मेरी लाइफ में बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जो फादर है ना, वो सुपर हीरो, और कोई भी भूत हो, कोई भी चीजें हो, कोई भी जो है विपदा होगी, वो आके मुझे बचा लेंगे। और मैं उस टाइम पे जो है साइकोलॉजिकली अपने फादर को हीरो मान के चलता था कि यार ये जो है ना, ये कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। धीरे धीरे जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, टीनेजर्स में आया, तो पापा दिन भर जो है ये करना कि अरे यार पढ़ाई करो, करियर बनाओ, फालतू का बाहर जाके मत खेलो, बहुत सारे जो है वो चीजें बोलते रहते थे। धीरे धीरे जो वो हीरोपन था ना, धीरे धीरे वो चीजें कम होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये क्यों जो है मुझे बार बार जो है वो मना कर रहे हैं कि तुम बाहर मत जाओ, तुम जो है दोस्तों के साथ मत खेलो, दोस्त ये मत करो, वो मत करो, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वो मना करते थे। और उस वक्त इच्छा होती थी उन्हीं सब चीजों करने का, अब क्रिकेट खेलना हो, चाहे वो दोस्तों के साथ बाहर जाना हो, चाहे पढ़ना ही ना हो, तो चाहे वो कोई थोड़ा बहुत छुट्टी मिलता तो हम उसमें खेलने कूदने लग जाते। लेकिन पापा हमेशा ही जो है वो डांटते रहते थे। धीरे धीरे वो प्यार या वो जो हीरो मानने वाला करेक्टर था, वो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि यार पूरी फैमिली में पापा ही वो है जिन्हें हर बात से परेशानी होती है, जिन्हें किसी चीज में खुशी नहीं है। मतलब वो हर बार जब देखो तब ना कुछ करते रहते हैं। और फिर हम धीरे धीरे एक ऐसा लेवल आता है जो टीनेजर से थोड़ा सा, जब हम 18, 19, 20 साल के ऊपर जाते हैं, तो हमें लगने लगता है कि अरे यार पापा जो है, मतलब ऐसा करना ही नहीं चाहिए था उनको। मतलब हमें उनसे जो है वो एक तरीके से बहुत दूर हो जाते, कई बार तो हम मन मुटाव हो जाता है, नफरत भी करने लगते हैं कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों हर बात पे जो है प्रेशराइज कर रहे हैं, क्यों ये चीजें कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जो है हम नौकरी वगैरह करते हैं, फिर लाइफ आगे बढ़ती है, और काफी समय लग जाता है ये रियलाइज करने में कि आज हम जहाँ पे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें एक बड़ा रोल होता है पापा का। और एग्जैक्टली जो है, अगर आप, कई लोगों को ये चीज समझ में आती है 30 सालों में, 40 सालों में, कुछ कुछ को 50 साल तक लग जाते हैं जब तक वो खुद बाप नहीं बनते और खुद वो उस चीज समझ नहीं पाते कि आखिर में जो है हमारे पापा उस टाइम पे इतने स्ट्रिक्ट थे क्यों। तो उन्हें बात समझ में आती है कि आज जो कुछ भी हम हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पापा के बदौलत ही है, तो अगर शायद वो उन्होंने उस वक्त डांट नहीं लगाई होती तो हम आज नहीं होते। ऐसा ही जो है किस्सा आप जो है वो टीचर्स के साथ भी दे सकते हैं। हमारी लाइफ में अक्सर ऐसा होता है ना कि कई सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि डांटते रहते हैं और संभालते रहते हैं कि तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, तुम्हें वो पढ़ना चाहिए, तुम्हारी हर गलती पे डांटते हैं। और मेरे साथ तो लिटरली मैं बताऊं कि हर स्टेज पे कोई ना कोई ऐसा टीचर मिला है जो डांटता रहा, और मुझे उस वक्त थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन मुझे बाद में बहुत समझ में आया कि जो उस टीचर सबसे ज्यादा डांटता है वही सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो फादर जो है सबसे ज्यादा डांट रहा था वही सबसे ज्यादा प्यार कर रहा था। कहने का ये मतलब है कि जो प्यार जताने का तरीका होता है ना इन मेल्स लोगों का, खास करके जो आपकी केयर करता है, जिसे आपकी लाइफ में आगे बढ़, जो चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़े, तो वो अक्सर ऐसे ही चीजों से आपको जो है वो अपना प्यार जताते हैं। और मुझे वो बात बाद में समझ में आई, जब मैं जो है वो 5 6 में था तो भी मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट होते थे, टीचर मुझे मेरी गलतियों पे डांटा करते थे, तब बुद्धि इतनी नहीं थी कि समझ पाऊँ, तो मुझे वो चीजें खराब लगती थी। जब बीटेक टाइम में मुझे मेरे एक टीचर ने गले लगाया, लेकिन उस गले लगाने से पहले उन्होंने सबसे ज्यादा मुझे क्लास में डांटा है, हर बात पे डांटा है, हर गलती पे डांटा है। मुझे कभी कभी लगता था ये मेरे पीछे ही हाथ धो के क्यों पड़ जाते, क्यों जो है बार बार मुझे, मतलब कोई भी गलती करूं सोच समझ के बोलो, ये करके बोलो। लेकिन जब मैंने टॉक किया तो वही सबसे पहले टीचर थे जिन्होंने मुझे गले लगाया। और आज जो है मैं शायद, अगर जो कुछ भी डिसिप्लिन से सब चीजें हैं, अगर वो उस वक्त ना मिले होते ना, तो मैं यहाँ पे होता ही नहीं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई जो है धनुष होता है, धनुष की जो प्रत्यंचा होती है, यानी जो रस्सी है, जो जिसे आप बोल सकते हैं, जो कि बेसिक तौर पे धनुष जिसे तीर को जो सपोर्ट देके भेजा जाता है अपने मंजिल तक,
जो धनुष की जो कह सकते हैं कि क्वालिटी होती है वो उसके प्रत्यंचा में होती है। और अगर प्रत्यंचा को जो है सही अनुमान में टाइट नहीं किया गया ना, तो क्या होता है कि तीर अपने मंजिल तक पहुंचेगा ना। अगर प्रत्यंचा यानी वो धागा अगर वो ढीला बांध दीजिए, तो अगर उस ढीले जो है धागे से आप तीर को लॉन्च भी करेंगे ना, तो तीर यहीं पे जाके गिर जाएगा, वो दूर जाएगा। उस धागे को टाइट बांधा जाता है, और इतना टाइट बांधा जाता है कि जो है वो एक टूटे ना और सबसे दूर तीर को भेज पाए। मतलब देयर इज अ शुड ऑप्टिमम, एक ऑप्टिमम टाइटनेस वहां पे होती है। बस एकदम कह सकते हैं पीक लेवल पे ले जाया जाता है कि बस वो टूटने से थोड़ी दूर रहे लेकिन टाइटनेस उसके काफी ज्यादा रहे। और जितना टाइट प्रत्यंचा होती है धनुष की, उतनी ही दूर को वो तीर, उतनी ही दूर वो तीर को भेज सकता है। और एग्जैक्टली लाइफ में ऐसा ही होता है। पिताजी या कोई ऐसा टीचर, वो उस प्रत्यंचा जैसा ही होते हैं। वो हमेशा जो है हमें लॉन्च करना चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, और अगर वो वहां पे ढीले पड़ जाएंगे तो शायद हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और इसी वजह से जो है तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि तो मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मुझे अब समझ में आता है कि हम क्यों इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, और हम जो है क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है सबसे दूर तक जो है वो लॉन्च होकर पहुंचे, अपने मंजिल तक पहुंचे। एंड इसी के लिए जो है वो प्रत्यंचा को टाइट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक पिता, एक अच्छा टीचर जो है वो अक्सर जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नजर आता है, लेकिन आजकल के जो है टाइम में ऐसे सिचुएशंस में वो पिता भी उस रिस्पेक्ट का जो है अभागी रह जाता है, और वो टीचर भी ऐसा लगने लगता है कि वो टीचर जो है वो ऐसा है या डिस्टर्ब है, समथिंग लाइक दैट। या मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ उस पिता की बात नहीं कर रहा हूँ जो मैंने झेला। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो इस बात को एग्री करते होंगे, जहाँ जो लोग आज कहीं ना कहीं पहुंचे हैं उन्हें ये चीज का एहसास मोस्टली लोगों को होगा कि आज वो जहाँ पे हैं उनके पीछे किसी न किसी एक ऐसे ही स्ट्रिक्ट प्रत्यंचा का जो है रोल रहा, जो तीर बन के आप अपने मंजिल तक पहुंचे हैं या पहुंचेंगे। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके पीछे कोई ना कोई एक स्ट्रिक्ट प्रत्यंचा था, चाहे वो एक भाई हो सकता है, वो एक गुरु हो सकता है, वो एक पिता हो सकता है, एक दोस्त हो सकता है, इवन वो फैमिली में कोई भी मेंबर हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक पर्सन स्ट्रिक्ट होता है आपकी लाइफ में, तो आप बेहतर तरीके से लॉन्च होते हैं। वो एक पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन जिस इंसान के लाइफ में अगर वो इंसान फैमिली में कोई वैसा पर्सन ना हो ना, तो अगर ऐसा टीचर मिल जाए तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी मंजिल तक लॉन्च होते हैं, एक अच्छे धनुष से जो है वो लॉन्च होते हैं और पहुंचते हैं वहां पे। तो ये जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात रही, जो मुझे सब मतलब लगती थी कि अक्सर देखा हूं मैं कि मैं जो प्यार मिलना चाहिए पिता को, जो प्यार मिलना चाहिए टीचर्स को, मिल ही नहीं पाता है। और आजकल के टाइम में तो है दोनों ही जो है वो हो रहे, बच्चे सबसे प्यार करते हैं लेकिन पिता दूर दूर रह जाता, बच्चे सभी से प्यार करते हैं लेकिन टीचर दूर रह जाता। लेकिन अल्टीमेटली बात वही होती है कि जिसने अपने सारी जो है वो कह सकते हैं ना कि पूरा फोकस तीर को दूर भेजने पे लगाया था, उसे थोड़ा तो स्ट्रिक्ट पढ़ना स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। और जब वो स्ट्रिक्ट होता है तो दुनिया की नजर में या उस तीर की नजर में भी कभी कभी बुरा बन जाता है। लेकिन अगर आप इस बात को समझ पाए हो, और अगर आप इस बात से एग्री करते हो, तो कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा कि ये बात, क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं या नहीं। और ऐसी बातों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।